prestigious awards in the world of healthcare, the 8th MT India Healthcare Awards 2018, in association with Mesit Dusseldorf at the Medical Fair India, Mumbai, on 16th March 2018. Nominations are open for doctors, hospitals, medtech companies, and healthcare professionals. पीरियड्स के 10th से 16 डे के बीच में आपका बेस्ट टाइम होगा। नमस्कार, मैं हूं ब्रज किशोर मिश्रा। स्वागत है आपका द हेल्थ केयर टुडे में। समाज पूरी तरह से बदल चुका है। करियर को बेहतर बनाने के लिए युवक युवतियां जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अभिभावकों का भी साथ मिल रहा है, लेकिन साथ साथ देर से शादी एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और संतान सुख के लिए दंपत्ति को तनाव में रहना एक सामान्य सी बात हो गई है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की। देश भर में काफी संख्या में दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं। कई सारे इलाज करा रहे हैं तो कई सारे नुस्खे अपना रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। इस हालात में IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन निसंतान दंपत्ति के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया IVF फर्टिलिटी क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर ऋचिका सहाय शुक्ला। डॉक्टर ऋचिका, भागदौड़ भरी जिंदगी, कई सारे तनाव और गलत जीवन शैली महिलाओं में मातृत्व सुख में रुकावट ला रहे हैं, जिसके कारण परिवार में बोझिल जिंदगी और कई सारे तनाव और बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो मातृत्व सुख में बाधक है। मातृत्व सुख में आजकल की तनाव भरी जिंदगी ने काफी कमी लाई है। इससे सिर्फ स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी काफी हद तक अफेक्टेड हुए हैं। स्त्रियों में आजकल की तनाव भरी जिंदगी से उनके अंडे की क्षमता घट गई है। उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो वो खाना खाती हैं, वो काफ़ी चेंज हो गई है, क्योंकि जंक फूड का ट्रेडिशन काफ़ी बढ़ गया है। जंक फूड का ट्रेंड्स बढ़ने से अक्सर छोटी उम्र की लड़कियों यानी टीनेजर एज से ही उनको PCOD की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो आपने सुना होगा। PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ आजकल काफ़ी बढ़ गया सोसाइटी में, बिकॉज ये जंक फूड खाती हैं, स्ट्रेस लेती हैं लड़कियां, स्पेसिफिकली मैदे की चीज़ें खाती हैं, मैगी खाती हैं, और राइस एंड पटेटो, फ्रेंच फ्राइज चल गया है, आपके सब जॉइंट्स आ गए हैं, फास्ट फूड जॉइंट्स, वो हमारी संस्कृति और हमारी कल्चर के नहीं है। एंड ओवरऑल ऑल्सो भी उससे आपके जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज़ होता है। साथ साथ आजकल लोगों में एडिक्शन काफ़ी बढ़ गया, हर तरह का एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, वो अल्कोहल लेते हैं, वो स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, इससे भी उनके अंडे के काउंट्स कम हो जाते हैं। एंड ये सिर्फ औरतों में नहीं, ये पुरुषों में भी, अगर वो इस तरह के चीज़ों का सेवन करते हैं तो उनके शुक्राणु की काउंट्स घट जाती हैं। प्लस सोसाइटी में इतने स्ट्रेस हो गए, वो एक कंपटीशन देने के लिए एक बच्चा शुरू से ही पढ़ाई करता रहता है, उससे भी उसके स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। एक जॉब के लिए स्ट्रेस होता है, इससे उनके अंडे और शुक्राणु दोनों के काउंट काफ़ी कम हो गए हैं। आजकल लड़कियों में शादी की उम्र बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वो करियर ओरिएंटेड हो गई हैं। सोसाइटी उन्हें भी बोलती है कि हाँ, आप वर्क करो, काम करो, घर से बाहर निकलो। इससे करियर को ज़्यादा प्राथमिकता मिलने से शादी की उम्र आगे बढ़ गई है। शादी की उम्र आगे बढ़ने से जो एक 30 के ऊपर ही आजकल शादियां होती हैं, जो पहले 22-23 में हो जाती थी, इससे भी आपकी ओवरीज की एजिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं ओवेरियन एजिंग हो जाती है, इसकी वजह से भी आपकी इनफर्टिलिटी बढ़ गई है। डॉक्टर ऋचिका, करियर को लेके लड़के और लड़कियां दोनों में चिंता रहती है, दोनों संघर्षरत होते हैं। करियर का कोई मुकाम पाने के बाद ही लड़के लड़कियां मैरिज लाइफ की सोचते हैं, लेकिन अब आप बात कर रहे हैं ओवेरियन एजिंग की, तो आप ही बताएं आखिर किस एज में शादी हो जाए जिससे ओवेरियन एजिंग की स्थिति ही ना हो और गर्भधारण आसानी से हो सके। 30 के पहले एटलीस्ट उनको अपना फर्स्ट चाइल्ड कर लेना चाहिए,
फीमेल्स एज वेल एज मेल्स को। मेल्स की भी जो स्पर्म की काउंट्स है वो काफ़ी डिक्लाइन पर है। पहले WHO जिसको बोलता था कि 32 मिलियन से ऊपर नॉर्मल है, अब WHO बोलने लगा है 20 मिलियन के ऊपर नॉर्मल काउंट्स है। तो जो नॉर्मल के पैरामीटर्स है वही डिक्रीज कर दिए गए हैं, बिकॉज ओवरऑल द फर्टिलिटी हैज़ डिक्लाइंड इन द होल वर्ल्ड। मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की कर लिया है, निसंतान दंपत्ति IVF की मदद से माता पिता बन सकते हैं, लेकिन कई बार यह देखा गया है कि दंपत्ति को IVF की तो जरूरत है ही नहीं, वो थोड़ी बहुत समस्या के कारण संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, वे डॉक्टर की सलाह नहीं लेते और इसके कारण वे समस्या से घिरे रहते हैं। क्या कहना है आपका? ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब एक कपल को शादी होती है उसके बाद उसके ऊपर इतना स्ट्रेस हो जाता है एक बच्चा पैदा करने का, अगर 1 ईयर से ऊपर हो गया और कपल की प्रेगनेंसी नहीं आई तो कपल को ऐसा लगता है कि अब उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। वो ये नहीं सोचता है कि हो सकता है हस्बैंड का टूरिंग जॉब हो, उसकी वजह से जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है, नॉर्मल ओव्यूलेशन का टाइम होता है, उस टाइम वो वाइफ के साथ रह ही नहीं पाया इसलिए प्रेगनेंसी नहीं आई, या फिर उसको थोड़ी बहुत कहीं कुछ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ पाई। वो सोचता है अब तो मुझे IVF ही कराना पड़ेगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। लोग इसको एज अ टैबू ट्रीट करते हैं, लोग आपस में इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। अगर वो बात करेंगे, खुल के सामने आएंगे, तब तो उन्हें पता चलेगा कि नहीं ऐसी कोई ऐसी मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि नहीं वो 1 ईयर में प्रेग्नेंट नहीं हुए तो उनको IVF ही करना पड़ेगा। ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है और हमारी गाइडेंस है, हम डॉक्टर्स की गाइडेंस है, हो सकता है थोड़े मेडिसिन खाने से या कभी कभी दूरबीन की सर्जरी करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, वो भी करने से पेशेंट तुरंत कंसीव हो जाता है, उसको किसी भी तरह की IVF की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर ऋचिका, अभी अभी आपने PCOD की चर्चा की, ये PCOD गर्भधारण में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। क्या है ये PCOD? क्यों हो जाता है PCOD? PCOD के मरीज कैसे गर्भधारण कर सकती है? PCOD को बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मतलब आपकी ओवरीज में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे अंडे भरे हुए हैं लेकिन वो मैच्योर नहीं हो रहे हैं या वो टाइम पे रप्चर नहीं हो रहे हैं, ये लेमैन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं। इस प्रॉब्लम में अगर पेशेंट भी हमारी मदद करे, यानी पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल की चेंज करे, वो वेट लूज़ करे, अगर वो 5 kg भी वेट लूज़ कर सकता है तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। उसकी वजह से उसके एग्स टाइम पे ओव्यूलेट करने लगते हैं, अगर टाइम पे ओव्यूलेट करने लगते हैं तो अंडा फूटता है और पेशेंट की प्रेगनेंसी आ जाती है। अगर फिर भी वो नहीं होता है तो हम एक ओवेरियन ड्रिलिंग नाम की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वो करते हैं, उसका भी इफेक्ट कुछ दिन तक रहता है। अगर ओवेरियन ड्रिलिंग आपने कर दिया और पेशेंट ने अपनी जीवन शैली नहीं सुधारी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए PCOD में प्रेगनेंसी आती है, बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी आती है। PCOD के पेशेंट्स अगर अपने आप पे थोड़ा वर्क करें तो उनको IVF की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अनलेस एंड अनटिल कि PCOD पेशेंट को बहुत सालों से है। इसीलिए टीनेजर गर्ल्स में PCOD की जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है कि बिफोर दे टर्न इनटू दैट एज कि उनको शादी का एज आ गया, बच्चे का एज है, तभी उनको PCOD कंट्रोल कर लेना चाहिए। PCOD एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो कोई डरने वाली बात नहीं है। उनको एक्सरसाइज करना चाहिए रोज़, उनको वेट नहीं पुट ऑन करना चाहिए, उनको जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए, बिकॉज PCOD में क्या होता है आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। इरेगुलर होंगे, अगर आप हमारे पास आओगे तो हमें आपको पिल्स पे डालना पड़ेगा। पिल्स पे डालना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अगर आप 3 मंथ्स पिल्स पे हो तो भी फिर आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके वापस आनी है। अगर आपने ये सब लाइफस्टाइल चेंज कर लिया तो आपको पिल्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके हार्मोन्स बिल्कुल रेगुलेट हो जाते हैं। तो सुना आपने, PCOD के प्रति किशोरावस्था से ही जागरूक होने की जरूरत है। इसके लिए आपको अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर रखना होगा, जंक फूड से दूर रहना होगा। हम आगे अब IVF के कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप बीमार हैं? क्या अस्पतालों की लूट से बचना चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं कम पैसों में बेहतर इलाज? स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी लेना चाहते हैं कानूनी मदद? तो हम हैं आपके साथ, द हेल्थ केयर टुडे। संपर्क करें 01244426059 या 99530237677।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर रिचिका, अब आ जाते हैं आईवीएफ पर। यदि सब कुछ सही रहते हुए भी दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो आईवीएफ के तहत पहला कदम क्या उठाना चाहिए? आईवीएफ के तहत पहला कदम, अगर दंपति को संतान सुख नहीं हो रहा है, अगर दंपति की उम्र 33 इयर्स यानी 33 साल से कम है, तो दंपति को हमें 1 साल के बाद आके विजिट करना चाहिए। 1 ईयर अगर शादी के हो गए हैं और हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं तो उन्हें आईवीएफ सेंटर विजिट करना चाहिए। अगर पेशेंट की एज 33 से ज़्यादा है तो उसको 6 मंथ्स के बाद ही हमारे पास विजिट करना चाहिए। सबसे पहले हम उसके सारे टेस्ट करते हैं, अगर टेस्ट में ज़रूरत होती है तभी हम उसको आईवीएफ के लिए एडवाइस करते हैं, वरना पेशेंट की हम दूरबीन की सर्जरी करते हैं या उनको मेडिसिन की सपोर्ट से प्रेग्नेंट कर देते हैं। आईवीएफ के लिए पेशेंट की भी जीवन शैली सुधार होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया भागता हुआ क्लिनिक पे एंड सेकेंड डे उसकी साइकिल को और हमने उसको स्टिमुलेशन स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके पहले सारे टेस्ट होंगे। मींस आईवीएफ में क्या होता है, एक बच्चा चाहिए हमें। बच्चा के लिए क्या चाहिए, आपको एक सॉइल चाहिए और आपके बीज। सॉइल होता है बच्चेदानी, यानी जो फीमेल होती है उसका यूट्रस। बीज होती है आपके अंडे, फीमेल के अंडे, और जो पुरुष होता है उसके शुक्राणु। तो बीज नॉर्मल होना चाहिए, आपके जो सॉइल है वो नॉर्मल होनी चाहिए, और जो न्यूट्रिशन आप पा रहे हो वो नॉर्मल होना चाहिए, यानी आपकी जो ब्लड सप्लाई है प्लस आपके आसपास जो एनवायरमेंटल एजेंट्स है वो सब नॉर्मल होना चाहिए। तो एक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पहले इन सब चीज़ों को सही करें, एंड हमें ये असेस करके देखना पड़ता है कि इनमें से चीज़ों को हम किस हद तक सही कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो सही नहीं हो सकती हैं उनमें हमें आईवीएफ करना है, तो उनमें कितना परसेंट हम सक्सेस एक पेशेंट को दे सकते हैं ये बताना हम आईवीएफ सेंटर्स का काम है। आईवीएफ तकनीक से संतान सुख को लेके अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। कई बार लोग यह पूछ बैठते हैं कि गारंटी क्या है, तो डॉक्टर रिचिका हमारे दर्शकों को आईवीएफ के बारे में बताते हुए यह भी बताएं कि क्या सही मायने में आईवीएफ संतान सुख की गारंटी देता है। आईवीएफ एक तकनीक है, वो एक साइंस है। आप ये सोचो, आईवीएफ के आने से कुछ कपल्स जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते थे, कभी उनको मातृत्व का सुख नहीं मिल सकता था, अब उन्होंने मातृत्व के का सुख उठाया है, वो उससे वंचित नहीं रहे हैं। और जो आप आईवीएफ की बात करो, वो वर्ल्ड क्लास जो हमारे पास डेटा होता है वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स में सेल्फ साइकिल, बोलने का मतलब आपके खुद के अंडे और खुद के शुक्राणु से सिर्फ और सिर्फ 30% है। एंड अगर हम बात करें डोनर एग, डोनर स्पर्म और सरोगेसी मिला करके, तो एक सेंटर का सक्सेस रेट 50-60% चला जाता है, पर कहीं भी उससे ज़्यादा नहीं है। एंड अगर कोई भी बोल रहा है कि आईवीएफ में 100% सक्सेस है, तो वो आपको भ्रमित करने वाली बात है और वो एक तरह से इल्लीगल बात है। जहाँ तक सवाल है गांव और सुदूर के लोगों की, लोग बहुत अभी भी आईवीएफ के नाम से डरते हैं। उनको ऐसा डर लगता है कि ऐसी कैसी तकनीक है कि बच्चा बाहर बन रहा है। वो आके पूछते हैं हमसे कि मैडम क्या ट्यूब में बच्चा बनता है? तो उन्हें हमें इस चीज़ के लिए जागरूक करना है। इंडिया में तभी लोगों को पता नहीं है कि नहीं, आईवीएफ से वो संतान सुख पा सकते हैं। जो पेशेंट्स हमारे पास जितने जल्दी आते हैं उनको हमें ट्रीट करने में उतनी आसानी होती है, क्योंकि उनके अंडे शुक्राणु उतने ख़राब नहीं हुए होते हैं। जैसे जैसे एज होती जाती है और तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड पेशेंट के और सक्सेस रेट डिक्लाइन करता जाता है। जो सक्सेस रेट है वो 40 इयर्स के ऊपर की फीमेल्स में बहुत कम है, इट इज़ ओनली 10%, एंड वो भी उनके खुद के एग से जाने के चांसेस हमारे पास बहुत कम रहते हैं। अगर आप पूछो तो 40 इयर्स से ऊपर हमारे पास अगर लेडीज आती हैं जिनके एग पहले से प्रिजर्व नहीं है हमारे पास, तो उनमें सक्सेस रेट के चांसेस बहुत कम है उनके खुद के एग से, अनलेस एंड अंटिल कि हम डोनर एग्स यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर रिचिका, अभी अभी आपने खुद स्वीकार किया है कि लोगों को जानकारी नहीं है, वे पूछ बैठते हैं कि क्या आईवीएफ में बच्चा टेस्ट ट्यूब में तैयार होगा। ठीक यही सवाल हमारा भी है, आईवीएफ तकनीक है क्या, इस तकनीक के प्रोसेस की जानकारी हमारे दर्शकों को दे। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो इसकी कॉन्सेप्ट होती है आईवीएफ में कि हम एक फीमेल से अंडे निकालें। अंडे कैसे निकालते हैं, अंडे के लिए एक जो औरत होती है स्त्री, हर महीने जो पीरियड होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उस जो मासिक रक्त स्राव होता है, उसमें उसको हर महीने एक अंडा बनता है। पर जब हम आईवीएफ करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एक से ज़्यादा अंडा बनाए। उसके लिए हमें पेशेंट को इंजेक्शन्स लगाने पड़ते हैं जो अंडे बढ़ाते हैं। कुछ लोग इंजेक्शन से डरते हैं, उनके केस में हम नेचुरल साइकिल आईवीएफ करते हैं। बोलने का मतलब, जो आपके खुद के नेचुरली अंडे बने हैं उस अंडे को हम बाहर निकाल करके ही भ्रूण बनाते हैं। पर यूजुअली जो कन्वेंशनल आईवीएफ होता है उसमें हम खूब सारे अंडे बनाते हैं।
अंडे बनाने के बाद आपको हम 10 से 15 मिनट की बेहोशी देते हैं, उसमें कोई भी पेट के ऊपर से किसी भी तरह का कट नहीं आता है, वो नीचे से ही हम वजाइनली अल्ट्रासाउंड का प्रोब डालते हैं, उसमें एक नीडल अटैच करके आपके अंडे की जो फ्लूइड बनती है उसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद एक एम्ब्रियोलॉजी लैब होता है जो काफ़ी तकनीक से बना होता है, जिसमें हम आपके एक एक अंडे प्रोसेस करते हैं। अंडे अलग करने के बाद हम आपके जो मेल काउंटर पार्ट होता है, आपका जो मेल पार्टनर होता है, उसके हम शुक्राणु लेते हैं, जो पहले से ऑलरेडी हम एनालाइज किए होते हैं कि ये शुक्राणु सही है कि नहीं, इसका IVF होगा या ICSI होगा, हमारे पास तरह तरह की पद्धति होती है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, उसको हम इंसेमिनेट करते हैं आपके एग में, या तो हम IVF तकनीक के द्वारा करते हैं या ICSI के द्वारा करते हैं, उसको इंसेमिनेट करते हैं। उसके बाद हम वो भ्रूण बनता है, भ्रूण को हम चेक करते हैं डे बाय डे, एंड यूजुअली भ्रूण को 2nd to 5th डे के बाद हम वापस आपकी वाइफ के अंदर डाल देते हैं। डालने के वक्त बिल्कुल ही पेन नहीं होता है। जब हम निकालते हैं अंडे, उस वक्त हम 10 से 15 मिनट की बेहोशी देते हैं। डालते वक्त यूजुअली हम कोई बेहोशी नहीं देते हैं। आप अपने प्रोसीजर खुद देख सकते हो, आप उन भ्रूण को देख सकते हो लैब में, उनके आपको पिक्चर्स दिए जाते हैं। उसके अलावा जब हम भ्रूण ट्रांसफ़र करते हैं तो आप अल्ट्रासाउंड में भी भ्रूण देख सकते हो। तो इस तरह से एक जो कपल होता है उसको एक कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है एक फ़ीमेल के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इतनी जो उसने तकलीफ़ झेली, एटलीस्ट आज उसका वो बच्चा बन गया। वो उस बच्चे को देख तो नहीं सकती है, पर उसको एक फ़ील होता है कि चलो मेरा अपना एम्ब्रियो तो बना, शायद अब मेरी प्रेगनेंसी आ जाए। तो ये एक IVF का पूरा प्रोसीजर होता है। यानी कि मूल रूप से महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु को लैब में फर्टिलाइज कर उसे महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। लैब में अंडे और शुक्राणु के फर्टिलाइजेशन तकनीक को हम IVF कहते हैं। डॉक्टर ऋचिका, निसंतान होने का कारण कभी महिला होती है तो कभी पुरुष, तो कभी दोनों होते हैं। कई बार पुरुष के स्पर्म में क्रोमोजोम काउंट काफी कम होता है, जिसके कारण वे पिता नहीं बन पाते हैं। ऐसे हालात में क्या ट्रीटमेंट है? पहले तो सबसे पहले ये है कि जो हमारी इंडियन जो विचारधारा है उसमें अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर इनफर्टिलिटी है तो उसके लिए मदर ही, मतलब जो फीमेल पार्ट है वही रिस्पॉन्सिबल है, पर ऐसा नहीं है। इसलिए सारे कपल्स को मेरी सबसे पहले उनसे ये अनुरोध है कि वो अपने मेल काउंटर पार्ट का भी स्पर्म एनालिसिस ज़रूर करें। जो सीमेन काउंट होती है उसमें 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली तो ये हो सकती हैं या काउंट्स कम हैं, या ये भी देखा जाता है कि काउंट्स तो हैं पर जो स्पर्म्स हैं जो तेज़ चलते हैं वो कम हैं, या फिर स्पर्म्स बिल्कुल ही नहीं है या सारे डेड हैं। अगर स्पर्म्स बिल्कुल ही नहीं है तो उस केस में हम एक प्रोसीजर होती है टीज़ा, उसमें हम उनके पुरुष के टेस्टिस में से स्पर्म को निकाल लेते हैं, स्पर्मेटिड्स को, एंड उससे भी हम बच्चा पैदा करते हैं जो उनके खुद के बच्चे होते हैं। ये प्रोग्राम अगर जो भी देख रहे हैं गाँव सुदूर में, वो इस चीज़ से जागरूक हो जाएं कि अगर उनके स्पर्म काउंट्स नहीं भी आ रहे तो भी जेनेटिकली बच्चा उनका खुद का हो सकता है। उसके अलावा अगर आपके स्पर्म काउंट्स कम हैं तब हम IVF करते हैं, क्योंकि उसमें हम वॉशिंग करते हैं, आपको हम काउंट्स बढ़ा सकते हैं, वॉश करके जो पोस्ट वॉश काउंट्स आते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर फिर भी सैंपल उससे भी ख़राब है तो एक ICSI नाम की पद्धति होती है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसमें आप ये सोचो एक तरह से कि हर स्पर्म को पकड़ के जो स्पर्म हमें नॉर्मल दिखता है उसको हम एग में इंजेक्ट करते हैं। ये पद्धति के लिए हमें ज़्यादा स्पर्म्स नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके 10 अंडे आए आपकी वाइफ के तो ऑब्वियसली हमें सिर्फ 10 नॉर्मल स्पर्म चाहिए, तो ये करके हम प्रेगनेंसी ला सकते हैं। डॉक्टर ऋचिका, आपके जवाब से ही एक और सवाल निकल आया। आपने फेलोपियन ट्यूब की चर्चा की। कई बार फेलोपियन ट्यूब बंद पड़ा होता है जिसके कारण गर्भधारण नहीं हो पाता। इसके अलावा कई बार भ्रूण गर्भाशय में न जाकर फेलोपियन ट्यूब में ही विकसित होने लगता है और यह फेलोपियन ट्यूब फट जाता है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसके कारण भ्रूण नष्ट होने के साथ साथ वह महिला आगे भी गर्भधारण नहीं कर पाती है। क्या कहना है आपका? फैलोपियन ट्यूब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि अगर आपके अंडे बन रहे हैं तो भी फैलोपियन ट्यूब अगर उसे उठा नहीं पा रहा तो कुछ भी बच्चा नहीं बनेगा एंड आप प्रेगनेंसी नहीं आएगी। फैलोपियन ट्यूब बंद होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है इन्फेक्शन, एंड इंडिया में ट्यूबरक्यूलोसिस इज वन सबसे कॉमनेस्ट कॉज है वो फैलोपियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट करने का, जेनाइटल ट्यूबरक्यूलोसिस। अक्सर आपने सुना होगा लोग काउज मिल्क पीते हैं, गाँव में ये बहुत प्रचलित है, अनपाश्चराइज्ड मिल्क।
एंड वो उस मिल्क को काफ़ी बॉयल नहीं करते हैं, वो अनपैश्चराइज्ड होता है, उसकी वजह से अक्सर उन्हें जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस होती है, फिर जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस होती है। या फिर औरतों में ऐसे देखा गया, कभी अबॉर्शन करा लिया, बताया नहीं घर में, कहीं भी जाके अबॉर्ट करा लिया, डीएनसी हो गई, उस दौरान उनको इन्फेक्शन होगी, या किसी और वजह से इन्फेक्शन, जैसे कि हस्बैंड का अगर काउंट्स कम था या हस्बैंड के स्पर्म में पस सेल्स हैं, उससे भी वाइफ को इन्फेक्शन हो गई एंड साइमल्टेनियसली उसका ट्यूब ब्लॉक हो गया, या उस फीमेल में खुद से इन्फेक्शन आ गई और उसकी ट्यूब ब्लॉक हो गई। ये सबसे प्रमुख कारण है ट्यूब ब्लॉक के। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जैसे कि दो बच्चे पैदा हुए, उन्होंने ट्यूब की अपनी सर्जरी करवा ली, ट्यूबल लाइगेशन, उसके बाद उनके बच्चे समहाउ एक्सपायर हो गए, वो भी औरतें हमारे पास आती हैं कि अब ट्यूब तो बंद हो गई है मैडम, अब हमारा आईवीएफ कर दो। एक महत्वपूर्ण सवाल, महिलाओं में बनने वाले एक जब पूरी तरह से तैयार होते हैं तभी गर्भधारण की संभावना सबसे ज्यादा होती है, तो क्या मंथली साइकिल के बाद कोई ऐसे दिन निश्चित होते हैं जिस दौरान यदि शारीरिक संबंध बनाया जाए तो गर्भधारण की गुंजाइश सबसे ज्यादा हो? जी आपने ये बिल्कुल सही कहा, हमारे पास जो कपल शुरू में आते हैं जिनको सब नॉर्मल होता है, उनको हम लोग इस तरह की काउंसलिंग करते हैं कि आपका बेस्ट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन क्या है। एक फीमेल जिसकी नॉर्मल साइकिल 28 दिन की आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आप काउंटिंग करोगे तो जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होगी उसको फर्स्ट डे ऑफ पीरियड हम काउंट करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स अगर आप काउंट कीजिएगा और साइकिल अगर 28 डेज की है तो पीरियड्स के 10th से 16 डे के बीच में आपका बेस्ट टाइम होगा, टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जिस वक्त अगर आप हस्बैंड के साथ संबंध बनाइएगा तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेशेंट्स अगर हमारे पास आते हैं विजिट के लिए, उनकी एज ज़्यादा होती है, तो पेशेंट्स को हम फिर इसलिए बार बार कॉल करते हैं बिकॉज हम बिना उनको स्टिमुलेट किए हुए, मीन्स बिना मेडिसिन दिए हुए, उनके हम नॉर्मल भी देखते हैं कि नॉर्मल उनके एग्स कब बन रहे हैं। अगर एग्स उनके नॉर्मल बनते हैं तो हम उनको फिर बताते हैं कि ये टाइम अब आपका एग रप्चर हो रहा है, वो हम अल्ट्रासाउंड से देख के उनको अच्छे से बता पाते हैं एंड पेशेंट्स गाइडेड तौर पे कंसीव होते हैं। डॉक्टर रिचिका, अब आ जाते हैं आईवीएफ के कॉस्ट फैक्टर पर। हमारा यह प्रोग्राम देश के गांव-गांव में देखा जा रहा है। गर्भधारण न कर पाने की समस्या सिर्फ शहरों में ही नहीं, गाँव में भी है, लेकिन कॉस्ट को लेकर कई बार लोग आईवीएफ में आ नहीं पाते। फिर दूसरी तरफ कोई गारंटी नहीं होती। माना जाता है कि आईवीएफ कम से कम 3 चांस जरूर लेना चाहिए, तो क्या यदि आईवीएफ किसी भी कारण से फेल हो गया और दूसरी बार आईवीएफ में जाना हो तो खर्च पहले इतना ही लगेगा या कुछ कम लगेगा? ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक पेशेंट के लिए। कपल चाहता तो है कि मैं आईवीएफ करा लूं, लेकिन वो करा नहीं पाता है क्योंकि उसकी पॉकेट इस चीज़ को परमिट नहीं करती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक तो हमारे पास, हमारी इंडिया में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी नहीं है जो आईवीएफ को कवर करे। बाकी सारे प्रोसीजर्स कवर हो गए हैं लेकिन आईवीएफ अभी भी नहीं कवर्ड है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से। अगर कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहा है तो ये मेरी अपील है इंश्योरेंस कंपनी वालों को कि प्लीज़ हमारे आईवीएफ प्रोसीजर को भी कवर करें। दूसरी, अगर फर्स्ट साइकिल में हम पेशेंट की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एग बना सकें, अगर ज़्यादा एग बन जाते हैं, पेशेंट यंग एज की होती है, उस केस में हम भ्रूण फ्रीज कर लेते हैं। अगर एक पेशेंट जो यंग एज की है उसके अगर भ्रूण अच्छे बनते हैं तो एटलीस्ट 3 साइकिल्स के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक साइकिल की कॉस्ट प्लस एडिशनल बहुत ही थोड़े से कॉस्ट से पेशेंट का 3 साइकिल ट्रांसफ़र हो जाता है। आजकल ये हमारे लिए भी काफ़ी बर्निंग टॉपिक है, हम लोग भी इस पर काफ़ी चर्चा करते हैं। हम डॉक्टर्स, हम बोलते हैं लो कॉस्ट आईवीएफ, लो कॉस्ट आईवीएफ हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उस केस में हम बहुत तरह की चीज़ें, मतलब कॉस्ट कटिंग करके आप सोचो कि ट्राई करते हैं कि पेशेंट का फिर से सेकेंड साइकिल कर सकें। पर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम पेशेंट को किसी भी तरह से कंसीव करा करके अपने सेंटर से भेजें, लेकिन हम वो कोशिश हो नहीं सकती कामयाब बिकॉज ओनली सक्सेस रेट तो बहुत ही कम है आईवीएफ में। डॉक्टर रिचिका, एक अंतिम सवाल, गर्भधारण की परेशानियां आए ही ना, इसके लिए क्या क्या एहतियात बरती जाए? विवाह के बाद ऐसी कौन कौन सी समस्या देखी जाए जिसमें दंपत्ति को यह समझ में आ जाए कि उन्हें कोई परेशानी है और वे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करें? मेरा टेक होम मैसेज ऐसे कपल्स के लिए रहेगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइफस्टाइल उनको अपनी अच्छी रखनी चाहिए, उनको प्रॉपर वेल नरिश्ड फूड खाना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करने चाहिए। दूसरी चीज़, उन्हें आई पिल, आजकल ये ओवर द काउंटर काफ़ी चल चुका है, आई पिल का सेवन बिल्कुल कम से कम करना चाहिए। अगर वो प्लान कर रहे हैं कि अभी उनको इनिशियल बच्चा नहीं करना है तो बेटर है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करें रायर देन आई पिल खाना। तीसरी, अबॉर्शन नहीं करनी चाहिए, अबॉर्शन के हम बिल्कुल सख्त खिलाफ रहते हैं बिकॉज अबॉर्शन के बाद तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखने को पाया गया है फीमेल्स में। इसलिए बेटर यही है कि और कपल्स अपनी, नहीं तो जाकर के डॉक्टर से मिल लें, आप एक ही अपनी एक ओवेरियन एजिंग करा सकते हो, उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपके पास कितना टाइम है,
आप कितने दिन के बाद एक बेबी प्लान कर सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल क्या रहा, आजकल प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर भी काफ़ी चल गया है, यानी टाइम से पहले आपकी ओवरीज फेल हो जाती हैं, आपकी ओवरीज एग बनाना बंद कर देती हैं, इनको बोलते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। तो आपके अगर मैं हम ओवेरियन एजिंग कर लेंगे तो हम आपको बता पाएंगे कि ओके ठीक है, आप 2 साल 3 साल तक अपना करियर और प्लान कर सकते हैं, या फिर फीमेल्स अपनी एग फ्रीज कर लें। पर एग फ्रीज करने भी फीमेल्स कब आती हैं, 35 ईयर्स के एज में, दैट इज़ नॉट द राइट टाइम टू गेट देयर एग्स फ्रोजन। अगर उनको एग्स फ्रीज करना है तो वो पहले ही आके अपने एग्स एंड स्पर्म फ्रीज करा के जा सकती हैं। दिस इज अ टेक होम मैसेज फॉर ऑल द कपल्स। निसंतान दंपतियों को संतान सुख के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। IVF तकनीक क्या है ये अब तक आप सभी समझ चुके होंगे, लेकिन एक और बात बता दूं, इन दिनों हर गायनोकोलॉजिस्ट IVF कर रही हैं। कम अनुभव एवं कम जानकारी होने के साथ साथ बेहतर तकनीक का इस्तेमाल न होने से भी IVF फेल ज्यादा होते हैं। तो IVF विशेषज्ञों का चुनाव करते वक्त काफी सतर्कता बरतें, नहीं तो आपका गलत चुनाव आपके पैसे बर्बाद होने के साथ साथ आपका तनाव भी बढ़ा सकता है। हमारा मुख्य मकसद आपको कम खर्च में बेहतर इलाज मुहैया कराना है। किसी भी सलाह की जरूरत है तो आप कभी भी किसी भी समय द हेल्थ केयर टुडे के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल। Medgate today presents one of the most prestigious awards in the world of healthcare, the 8MT India Healthcare Awards 2018, in association with Method Dusseldorf at the Medical Fair India, Mumbai, on 16th March 2018. Nominations are open for doctors, hospitals, medtech companies, and healthcare professionals.